ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले स्वाद बिहार का। अगर जन सुराज की सरकार बनी और हमारी बात उसमें सुनी गई तो 15 मिनट में शराबबंदी को कूड़ादान में डाल देंगे। क्यों डालेंगे उसका मैंने पूरा आधार भी दिया। दुनिया में किसी भी समाज में देश में राज्य में आज तक इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए शराब समाज का भला हुआ। ठीक सुना कि अगर जन सुराज की सरकार बनी और हमारी बात उसमें सुनी गई तो 15 मिनट में शराबबंदी को कूड़ादान में डाल देंगे। क्यों डालेंगे उसका मैंने पूरा आधार भी दिया। दुनिया में किसी भी समाज में देश में राज्य में आज तक इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए शराब समाज का भला हुआ हो। और ये प्रयोग बिहार में नहीं हो रहा है, पहले अमेरिका में भी हुआ है, कई यूरोपियन कंट्रीज ने यह प्रयास किया, इस देश में भी अलग अलग राज्यों ने प्रयास किया, किसी को सफलता नहीं मिली। और ये बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि देश में शराबबंदी के जरिए आप समाज का विकास कर सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि गांधी जी ने ये कहा, गांधी जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा। हमने बहुत गहराई से इस चीज को पढ़ा है। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया। गांधी जी ने बताया कि शराब पीना गलत बात है, समाज को प्रयास करना चाहिए कि शराब पीने वाले लोगों की संख्या कम हो। गांधी जी ने, और हम रोज चुनौती दे रहे हैं गांधीवादियों को भी, और इस देश में जो यहाँ राज्य में जो सोकॉल्ड नीतीश कुमार है उसके सलाहकार है, क्या आप मुझे गांधी का लिखा हुआ वो लाइन दिखाइए, वो वाक्य सुनाइए जहाँ गांधी जी ने कहा है कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। ये तो ऐसा हुआ कि गांधी जी ने कहा कि शाकाहारी होना अच्छी बात है, और सकल सरकार कहे कि गांधी जी कह रहे थे कि शाकाहारी होना अच्छा बात है, इसलिए कानून बना दो, जो आदमी मांसाहार करेगा उसको जेल में डाल देंगे। तीसरी बात कि इस गरीब राज्य में अगर मान लीजिए एक मिनट को कि शराबबंदी के कुछ फायदे हैं भी, तो शराबबंदी लागू होगा तब तो फायदा होगा। शराबबंदी लागू कहाँ, शराबबंदी के नाम पर शराबों के दुकान बंद कर दिए गए, होम डिलीवरी चालू हो गया। तो आप अमेजोन से सामान खरीद रहे हैं तो सामान बिकना थोड़ी ना बंद हो गया। तो मैं तो रोज कहता हूँ, नीतीश कुमार का अमेजोन और फ्लिपकार्ट मॉडल है जिसमें दुकान बंद और होम डिलीवरी चालू। और इस वजह से बिहार के लोगों का हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जरा आप अंदाजा लगाइए, 20,000 करोड़ रुपए का सरकार का नुकसान हो रहा है। और वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा जा रहा है भ्रष्ट माफिया के पास, भ्रष्ट अफसर के पास। और यही नहीं, पूरा प्रशासन जो है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आपको दिख रही है, ये 16 से बिगड़नी स्थिति शुरू हुई है, क्योंकि पूरा प्रशासन पुलिस व्यवस्था सिर्फ शराबबंदी लागू करने, शराबबंदी से पैसा वसूलने, शराबबंदी को छिपाने, शराबबंदी को बढ़ाने में लगा हुआ है। आप जानकारी के लिए, यहाँ कुछ लॉयर भी होंगे उनको पता होगा, शराबबंदी जब से लागू हुई 6,36,000 से ज्यादा केस हुए हैं।